वेलकम बैक। आज एक और एक्सेसरी का अनबॉक्सिंग और स्पेशल में लाया हूँ अपनी एक्सपर्ट्स के लिए, वो है ये बैक रेस्ट। अभी रिसेंटली मैंने एज अ पिलियन ट्रैवल किया था, तो सीट तो लेंथ बहुत छोटी है, बहुत ही कंफर्टेबल नहीं था, और एज अ सेफ्टी मेजर ये बैक रेस्ट बहुत काम आया। सो ये बैक रेस्ट जो मैंने अमेजोन से मंगाया है, ये एक्चुअली डोमिनार का है। एक्सपल्स की एक्सेसरीज वैसे ही बहुत कॉस्टली है, तो ये आपको अमेजोन से 600 का मिल जाएगा, और लोकल मार्केट में पता करेंगे तो 500 तक का आपको मिल जाएगा इसी। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, बट ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और बेटर होगा एक्सपल्स की एक्सेसरीज। सो ये है बैकरेस्ट, ये हाइट एडजस्टेबल है इसमें आप। सो यूजुअली जो कुशन होता है वो सीट के एंड तक आना चाहिए, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसे हमको पीछे लगाना पड़ेगा। सो अभी तो प्लान ये है कि इसके रबर्स को, जो मैंने पहले ही निकाल लिए थे, ये रबर्स रिमूव करके ये बोल्ट्स खोलेंगे और इन दो बोल्ट्स पे माउंट करेंगे ऐसे। यहाँ पे हमें दो एडिशनल होल्ड करने पड़ेंगे, बट उसके हिसाब से बिल्कुल सही पोजीशनिंग इसकी आ जाएगी। इस बैकरेस्ट की शीट में आप होल्स किसी भी लोकल वेल्डिंग वाले से करा सकते हैं, उनके पास ड्रिल मशीन होगी, अगर आपके पास खुद ड्रिल मशीन है तो ईजीली आप इसमें कर सकते हैं। और जो ये दो स्क्रू हैं, ये भी आपको थोड़े बड़े लेंथ के लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट 10 mm एक्स्ट्रा। तो आप सीधा चलते हैं हम वेल्डिंग वाले के पास, इसमें होल कराते हैं पहले, फिर उसके बाद इंस्टॉल करते हैं। सो फाइनली जो बैकरेस्ट का ये एल ब्रैकेट था, मैंने इसमें होल करा दिए। मैंने प्लान तो दो होल कराने का किया था, लेकिन मैंने एक एडिशनल भी करा दिया थोड़ा इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए। याद रखिएगा आपको यही होल इससे मैचिंग इसमें भी कराना पड़ेगा, जो बाइक की टॉप रैक है उसमें, तभी ये सेट बैठेगा। मैंने एक्स्ट्रा लॉन्ग स्क्रूज़ भी ले लिए हैं, ये यहाँ से शैंक की इसकी लेंथ 25 mm है, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्क्रूज़ थे वो 15 mm के थे, सो 10 mm एक्स्ट्रा मैंने ले लिए इसके लिए। इसमें आप पुराने वाला एग्जिस्टिंग स्क्रू ही लगा सकते हैं, आपको एक नट यूज़ करना पड़ेगा। तो बस अब क्विकली इसको फिक्स करते हैं बाइक पे, और फिर मैं फाइनली आपको शो करूँगा ये कैसा लग रहा है। सो फाइनली फिक्स कर दिया है मैंने। प्लीज़ नोट कीजिएगा कि मैंने इसमें वॉशर लगाए हैं, वॉशर इसका अवेलेबल नहीं थे, पर वॉशर लगाए हैं ताकि प्रॉपर लोड फोर्स प्रॉपर लगे उस पर। ये दो स्क्रूज तो मैंने नहीं खरीदे थे, और ये वाला एग्जिस्टिंग इन स्क्रूज को मैंने लगा दिया इसमें, नीचे से नट भी प्लेस करा है ताकि वो उसको होल्ड रखे। सो जूम आउट करके दिखाता हूँ वो कैसा दिख रहा है, तो इतना ऑड तो नहीं लग रहा, और आई थिंक पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है।